नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी इको। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये गाड़ी है और ये खासकर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही निकलवाई है। ये इनके पास थी, ये भाई के पास गाड़ी, और इस गाड़ी में ये जो गाड़ी है आपको, ये 2011 का मॉडल है। और ये गाड़ी कितनी चल चुकी है? ये गाड़ी 62,000 किलोमीटर कुछ भाई बता रहे हैं ये गाड़ी चल चुकी है। और गाड़ी का लुक वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। 2011 में इस गाड़ी में क्या आता था नया, तो अब BS6 वेरिएंट लॉन्च हो चुका है, वो भी किसी वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आज इस वाली वीडियो को जो भी मतलब सेकंड हैंड गाड़ी इको लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या आता है। तो सामने की तरफ आपको कुछ इस तरीके का एकदम कार इस गाड़ी को नहीं बोल सकते, एक तरीके से आप इसे वैन बोल सकते हैं। और मारुति सुजुकी ने इसे एज ए ओमनी के कंपटीटर में लॉन्च किया था, और जब से ये गाड़ी आई थी जो ओमनी की बिक्री है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। जो इसके प्राइस है वो भी मारुति सुजुकी ने काफ़ी अच्छे रखे हैं। नई गाड़ी अगर आप लेने जाएंगे तो 4-5 लाख के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, और अगर आप प्राइस नेगोशिएट कर पाते हैं तो और भी कम में देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इस गाड़ी में ये है कि इसको आप एज ए फैमिली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एज ए आप अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी वो ले सकते हैं। अब कई लोग इसे ट्राइबर से कंपेयर करते हैं, तो मैं आपको भाई एक चीज़ बता दूँ कि ट्राइबर बेशक अच्छी गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी में जो इंजन है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, ये वाला इंजन आपको ट्राइबर में देखने को नहीं मिलता। और इसका जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा पेपी है, मैंने भी इस गाड़ी को चलाया हुआ है। सब फटाफट से हम देख लेते हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ कुछ इस तरीके की ग्रिल है, यहाँ पर मारुति सुजुकी का लोगो है, और ये जो सामने की तरफ आप बम्पर देख सकते हैं ये आफ्टर मार्केट है। और ये आपको इस तरीके के कुछ हेलोजन हेडलैम्प्स इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। जो बोनेट है इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है, एकदम मस्त सामने से क्यूट सी लगती है ये गाड़ी। साइड में आपको यहाँ पर फेंडर्स में इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के डोर्स, और ये इसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये शायद 14 इंच के टायर हैं। कहाँ लिखा है, ये लिखिए। तो अगर मैं टायर की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 13 इंच के टायर आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखने को मिल जाते हैं। स्टील रिम में आपको टोटल ये गाड़ी देखने को मिलती है, और साइड से ओवरऑल इस गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो वेगन आर है ना उसकी ही बड़ी बहन है ये गाड़ी। वेगन आर को थोड़ा सा लंबा कर दिया, टॉल बॉय डिज़ाइन में ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इको की बैजिंग, मारुति सुजुकी का लोगो, और इस तरीके का कुछ इसमें अब पार्किंग सेंसर भी आने लग गए नई वाली गाड़ी में। जिस समय ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2011 में, उस समय गवर्नमेंट ने ना एयरबैग मैंडेटरी किया था ना ही पार्किंग सेंसर मैंडेटरी करे थे, तो उस समय इस गाड़ी में कुछ भी नहीं आता था सेफ्टी के नाम पर। केवल इस गाड़ी में सीट बेल्ट है आपको। पीछे की तरफ कुछ बड़ा सा एकदम ग्लास देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इको की बैजिंग है, और हम लेफ़्ट साइड से भी देख लेते हैं, कुछ इस तरीके की ये गाड़ी देखने में लगती है। बाकी ये जो स्किड प्लेट्स आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट हैं। अब हम चल देते हैं गाड़ी के अंदर। अब हम देख रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर, तो ये है गाड़ी का डोर, आप देख सकते हैं कोई पावर विंडो वगैरह इस गाड़ी में नहीं है। और इस तरीके के इस गाड़ी में आपको कुछ ORVMs देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल सिंपल से डिज़ाइन है, कुछ भी फैंसी पना इनमें नहीं है। बाकी ये है इस गाड़ी की सीट्स, और जो सामने से जो डैशबोर्ड है ये काफ़ी छोटा सा लग रहा है, और गाड़ी में बैठते ही एक जो फील आ रही है वो आ रही है भाई एकदम स्कॉर्पियो वाली, एकदम ऊंचा जो बैठने का जो लगता है ना कोई फील बड़ी गाड़ी में, वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ पैर वगैरह रखने के लिए भी अच्छी खासी स्पेस है, और इस गाड़ी में आपको AC वगैरह भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये जो आपको म्यूज़िक सिस्टम दिख रहा है ये आफ्टर मार्केट है, और यहाँ पर ये AC के कंट्रोल्स हैं। और डोर को बंद करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका केबिन लगता है। यह है इस गाड़ी में IRVM जो कि डे नाइट का, इसमें कोई स्विच नहीं है, नॉर्मल सिंपल IRVM है। इस गाड़ी के जो सनसेट है कुछ इस तरीके के, इनमें भी कोई मिरर वगैरह आप वैनिटी मिरर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये है भाई इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील, 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील था, बीच में आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है। इस तरफ है गाड़ी में वाइपर्स के कंट्रोल, और इस तरफ है भाई लाइट के कंट्रोल्स। एक बार मैं आपको डैशबोर्ड चालू करके बताऊँ, कुछ इस तरीके की लुक आती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 62,330 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। आपको मीटर में 180 के आसपास कुछ मार्किंग्स देखने को मिल जाएगी। अब एक्चुअल में भाई कितनी भागती है ये गाड़ी तो अपन को पता नहीं है। यहाँ पर आपको ये हैजार्ड लैम्प का जो स्विच है वो देखने को मिल जाता है, और ये है कुछ इस तरीके का इस गाड़ी का गियर लीवर। इसमें आपको 5 फ्रंट और 1 रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है। ये है गाड़ी का हैंड ब्रेक,
बाकी सीट बेल्ट के अलावा और कोई फीचर नहीं है ना इसमें, एयरबैग वगैरह कुछ भी नहीं आते है ना। हाँ तो ये तो भाई फ्रंट से थी, फ्रंट से मतलब काफ़ी अच्छी है बैठ के देखने में तो। और अपने थोड़ा सा पीछे की साइड एक बार इसका गेट कैसे खुलता है एक बार बताओ जरा खोल के। ये गेट लगा है और ऐसे क्या है यहाँ से खुलता है, मगर क्या है इसका अभी ये लॉक क्या है हाँ हो गया था। हाँ चलो कोई बात नहीं खोलो इसे, ये मस्त ऐसे ओमनी का जैसे स्लाइड होता है ना सेम टू सेम इसका भी स्लाइड होता है। और अंदर की तरफ जो एकदम जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आधा पूरा इस गाड़ी में अभी खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं इतना स्पेस है इस गाड़ी में। और पीछे की गाड़ी को आप 9 सीटर भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ये LPG यहाँ आ जाती है और यहाँ पे 2 सीटें लग जाती हैं, एक इधर और एक इधर। हाँ तो मतलब भाई मॉडिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। पीछे की तरफ ये LPG का सिलेंडर है, ये गाड़ी LPG पेट्रोल दोनों में चलती है। और जो बूट स्पेस है कुछ 500 लीटर के आसपास है इस गाड़ी में। ये भाई ने जो डोर है इसका पीछे का वो खोल दिया है। और मतलब आप एज ए कमर्शियल वाहन जो आप सामान वगैरह इधर उधर ले जाना चाहते हैं बेचना चाहते हैं तो उस पर्पस में आप इस गाड़ी को अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगी। बाकी भाई पीछे की तरफ अगर सीट का स्पेस मैं आपको बताऊं तो ये फिक्स है या आगे पीछे नहीं होती है। और जो ड्राइवर की सीट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद भी आपको जो स्पेस है पीछे की आराम से देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं आप हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और यहाँ पर आपको एक केबिन लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाती है और एक केबिन लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दो दो केबिन लाइट है इस गाड़ी में, काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी स्पेशियस गाड़ी है। और 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ही वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाती है। एक बार मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ, बोनट खोलना। कहाँ है इंजन, कहाँ है इंजन, तो इसका नीचे रहता है। ये है इंजन में, ये देखते हैं लोग बाग जी। तो भाई इस गाड़ी में जो इंजन है वो अंदर की तरफ पीछे वाली सीट के नीचे आता है या सामने वाली सीट के नीचे? सामने वाली सीट के नीचे, सामने वाली सीट के नीचे यहाँ पर प्लेस रहता है। और उससे ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, सामने के पहियों से चलती है, तो सामने के पहियों से चलती है। और मैंने सोचा था यहाँ पर वो जैसा 407 में नहीं दिखता सामने इंजन वैसा दिखता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये काफ़ी खाली खाली सा एकदम नैनो की याद दिला देता है। और यहाँ पर ये इसका जेक वगैरह जो है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर, विंडशील्ड का जो वॉशर है वो यहाँ पर हो जाता है। और ये क्या चीज़ है, सेल्फ, सेल्फ की जो मोटर है, मोटर है क्या है ये? मोटर है, मोटर है, सेल्फ की ना, तो ये स्टार्ट हो जाती है। अच्छा तो ये सेल्फ का जो सिस्टम है वो यहाँ पर दिया गया है। और आगे यार मतलब काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। ये क्या चीज़ है, कूलेंट है जी, ये कूलेंट फिल करने के लिए आपको सामने मिल जाता है। और जो स्टेरिंग वगैरह की जो रॉड है आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रही है, ये एसी की पाइप है। हाँ इसमें एसी आता है ना। चलो तो भाई ये थी ओवरऑल गाड़ी। और स्टार्ट करके एक बार मैं आपको गाड़ी की आवाज़ भी सुना देता हूँ कैसी है बाहर से। तो चलो बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से आपको सुना देते हैं आवाज़। हैंड ब्रेक लगा दो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं गाड़ी वन टच में एकदम मस्त स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको फ्यूल कैप जो है वो देखने को मिल जाता है। कितने लीटर का टंकी है इसकी? इसकी 30-40 लीटर 30-40 लीटर की होगी है ना, 30-40 लीटर के लगभग इसकी टंकी है। और जो लंबाई चौड़ाई है वो सब तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा। और जो व्हील बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, स्किड प्लेट के कारण आपको थोड़ी और नीचे लग रही होगी, लेकिन गाड़ी एक्चुअल में ऊंची है। मिनिमम 160 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मेरे हिसाब से इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती होगी। बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरीके की गाड़ी में सस्पेंशन है। बाहर की तरफ जो गाड़ी है काफ़ी साइलेंट है, कुछ खास ज़्यादा आवाज़ आ नहीं रही है। एक बार मैं आपको केबिन में बैठ करके दिखाऊँ तो लगाना गेट। केबिन में बैठने के बाद भी जो आवाज़ है सीट के नीचे से आ रही है और काफ़ी अजीब सा लग रहा है, लेकिन आवाज़ बहुत कम है, थोड़ा सा वाइब्रेशन है। और जो ऊंचा एकदम बैठने वाली जो फील है एकदम महाराजाओं वाली, वो ये गाड़ी आपको दे सकती है। बाकी ट्राइबर और इसकी जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसे जो लोग आजकल ट्राइबर से कंपेयर कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी सी बात है, क्योंकि
ड्राइवर, और ये मतलब ये कॉमर्शियल पर्पस के हिसाब से बनाई गई गाड़ी है, और जो ड्राइवर है वो आपको फुल एडवेंचर लॉन्ग ट्रिप्स में सेवन सीटर, एक ट्रू सेवन सीटर गाड़ी वो है। तो भाई ये थी मारुति सुजुकी इको जो कि इन भैया के पास थी। अगर आपको कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है तो इनका नंबर मैं आपको नीचे शो कर दूंगा पॉपअप में, वहां से आप इन्हें कॉल करके बात कर सकते हैं, अगर अवेलेबल होगी तो ये बता देंगे। बाकी अगर आप मध्य प्रदेश के हैं या भोपाल के आसपास के हैं तो ही इनसे कॉल करें, बाकी दूर के हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो आरटीओ का जो टैक्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। बाकी ये था भाई मारुति सुजुकी इको का वीडियो, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन अब जो नई वाली आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आ रही है, जैसे एयरबैग और आपको पीछे की तरफ जो पार्किंग सेंसर हैं दो जो मैंडेटरी हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और जो डिज़ाइन है वो तो अभी तक भी पूरा सेम है, डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। बाकी इतना था इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।